आपण खोलून ते बांधून घेऊ तेव्हापर्यंत चार्जर भी दिखाई चार्जर असं दाखवतो चार्जर त्याच्यात नाही आहे खोका चार्जर खोका खोका गेला होस त्याच्यात नाही त्याच्यात बॅटरी आहेत ह्या मशीनची आणि काय नाव आहे त्याचं मशीन काय नाव आहे त्याचं मशीनचं कपास प्लकर कपास प्लकर मराठीत कापूस मराठीमध्ये कापूस वेचण्याची मशीन चालेल टाईट करून घे पट्टा तो लूज असेल तर टाईट मारून घे उलटा रख जा जास्त जास्त भीड़ देखो देखो कैसे घातला ना आपका मर्जी ऐसा ये भी ऐसा है अक्षय इन दाखो हाँ इकड़े पहा इकड़े पहा ते बैटरी ऐसा क्यों रखना देखिए इधर ही साइड से देना है ना कनेक्शन इधर ही होता है ना इसीलिए कमी लोग है मुझे ऐसा अंदर से कर सकता है पैक करूंगा छोड़ दे ऐसे ये क्या कर लीजिए इसका नीचे से इधर लाना ऐसा ऐसा पकड़ना भाई ना को करो जरा थाम दो क्या ना ये है ना ये इसका ऊपर से ऐसा लाना है इधर ये ऐसा नीचे से इधर से आना इधर से आना इधर से आके इधर उनको यहाँ लगा दे लगा देना बैठ गए ओके फिर क्या क्या है ना आपका ये ऊपर से आता है वायर ऊपर से आना नीचे से नहीं ऊपर से आना ऊपर से अगर लेफ्ट साइड है तो ये ऊपर होता है इसलिए नीचे ऊपर दोनों को दोनों साइड दिया फिर इसमें लगाना ऐसा लगाना है ये चेतन पकड़ा को आई ते वायर तो बोलूंगे आईचं जेवण झालं असेल तर बोलूंगे आई ये ना आई तू पण ये बाद में ये दोनों पिन नाही ना पिन एक का है ये बड़ा उंगली क्या है ना ये ऊपर बटन का ऊपर रहने का जब ऑन करना है तब फिर बाद में आप कैसे चलो करो कासेल नको फक्त कासेल ला जा मदत ला जा बोलण्याच्या मदत आप डर रहे आप डर रहे पाऊंगी तो बीच में से रखा ना एकदम चारों एक ही दम आ जाएगा अंदर सारी पकड़ एक जमा थी जवान मर रहा हूँ फोटो हाताने पकड ना मागचं बोल झालं हे असा आधार लागायचा असा आपण हाताने काढतो ना अगदी हलकर दे बरोबर बसील लावून ठेवायला लावून ठेवलं तर बरोबर जरी व्हिडिओ ठेवत थांब एक मिनिट ठीक आहे मोठी पाहिजे एक नंबर मोकळी पायरी पाहिजे काय नाव
दुनिया आता है बकड़ा काकू इकड़े इकड़े दाखो अक्षय मदत मदत नको हमारे पास सिर्फ 7.5 का है और वो भी अच्छा क्वालिटी अच्छा क्वालिटी अच्छा क्वालिटी का राहणार ससानी तुम्हाला नाही का हे मशीन कशी वाटली म्हणजे याच्यामध्ये काही तुम्हाला आता तुम्ही व्यसनी करताय कापसाची त्याच्यामध्ये तुमच्या ह्या मशीन मध्ये काही फरक वाटला का नाही तुम्ही हाताने वेचत आहे त्या हाताने वेचतानी आणि ज्या मशीन नुसार नाही का आता कापूस व्यसनी केली त्याच्यामध्ये काही फरक घेऊन जाणवला का तुम्हाला नाही फरक नाही जाणवला आमच्या हातापेक्षा हे कापूस स्वच्छ चांगला दिसते ठीक चांगला चांगला आहे यांचं म्हणणं आहे की चांगला आहे ते कापूस वेचणी म्हणजे आता जे मजूर वर्ग वेचतात ना त्यांच्यामध्ये कचरा येतात ते आणि तसे टाकतात त्यांचा कसं येणं देऊन राहतात ना ते रोजीप्रमाणे लवकर हे करून घेते त्यांनी ते कचरा येतात हे म्हटलं तर केजी किती हिसाब से मिनिमम 8 rupees लेके 12 rupees पर केजी धन्यवाद काकू हमारा पास 15 rupees 1 kilo का 15 rupees मन सुबह सुबह 9 बजे का आते हैं शाम को 5-5:30 बजे को छोड़ के चले जाते हैं एक आदमी आके 40 kilo ज़्यादा है तो 40 kilo तो एवरेज 30-35 अच्छा 9 बजे आते हैं 6 बजे जाते हैं 90 एक एक क्विंटल तक एक एक मिनट रुकिए आप बताइए पहले फलों का राइनर ससानी तुम्ही जे मशीन बघितलं हाताने वेचण्याचं जे मशीन आहे तर त्याबद्दल तुमचे काही प्रश्न आहेत का हो ते बॅटरी किती चार्जिंग करावं लागेल बॅटरी देखिए रात में आप 6-7 घंटे चार्जिंग करना है चार्जिंग करने का किमत भी आपके सिर्फ 1 rupee लगेगा पूरा इसका ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज 1 rupee लगेगा दिन में आप 6.5 घंटे पूरा काम ले सकता है इसी से बॅटरी फुल केली 1 rupee चार्ज होतो बॅटरी फुल करायचा आणि 6-7 तास आपण वापरू शकतो ती मशीन आता ही मशीन नाही का 1 तासामध्ये किती घंटे कापूस म्हणजे किती कापूस वेचणी करतात बोलिए हिंदी में बोलिए 1 घंटे में आप ये आदमी का ऊपर अवलंबित है अगर जवानी आदमी है तो अच्छा तेज से चलाने वाले हैं तो हाथ 10-15 kilo तक सुन सकता है एक घंटे में अब तक हमारा रिकॉर्ड क्या है ना 15 kg सुनाया एक आदमी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जिथे सर्वात कमी कापूस उगवला जातो वाळवंटी प्रदेश आहे राजस्थान ऐसा तो ये क्या ना ये मशीन क्या ना इसमें वजन भी बहुत कम है वो औरत भी चलाने को बहुत ये जैसे औरत भी पकड़ने का चलाने का ऐसा हमने इसका मशीन बनाया आता तुम्ही फवारणीचा पंप खांद्यावर लावता ते रिकामा पंपाचं वजन जेवढं आहे तेवढंच ह्याचं वजन असेल आसपास ज्यादा से ज्यादा औरतने कपास सुनती रहती है ना इसका हमारा मन में वो एक औरत भी चलाना है ये मिशन वापरून तुम्हाला कसं वाटलं हे मशीन वापरून कसं वाटलं तुम्हाला जर तुम्ही स्वतः वेचणी करत असाल हाताने आणि मशीन वापरता वेचणार त्यातून तुम्हाला काय फरक जाणवला मशीन चांगलं वाटलं थोडं कचरा क्या है ना आप हाथ से चुनने का टाइम है क्या है वो चुका पत्ती क्या रहता है ना इधर चुका पत्ती भी ऐसा उंगली पकड़ के खींचते है लेकिन मशीन ऐसा नहीं खींचते ये सामने वो रोलर क्या रहता है ना सामने सामने से खींचते है ना इसलिए क्या चुका पत्ती बिल्कुल नहीं आएगा कचरा आता है लेकिन बहुत कम आता है जब हाथ से चुनते है ना वो 3-4 गुना ज्यादा आता है पत्ती आते त्यांचं म्हणणं आहे की 100 kilo जर कापूस वेचला तुम्ही मशीन ने तर त्याच्यात 150 gram कचरा येऊ शकतो जास्तीत जास्त 150 gram आणि आपण हाताने मोजतो तर ते 1/2 kilo 1 kilo पर्यंत कचरा येतो त्याच्यात
तर एक किलो म्हणजे जवळजवळ 100 किलो मध्ये 1 किलो म्हणजे 10% झाला, 1% झाला सॉरी. आणि ते बोलतात की 0.1 येईल म्हणजे 1% पण खूप कमी येईल. फिर और क्या है ना, ये मशीन लेने का बाद में 4-5 दिन आप थोड़ा गड़बड़ रख सकता है, फिर बाद में आपको आसान हो जाएगी. तो थोड़ा प्रैक्टिस होना पड़ता है, प्रैक्टिस होना है. जब साइकिल सीखने का टाइम में भी आपको 4-5 दिन पहला दिन है ना इसका, देखी भी नहीं ना उन्होंने. पहिल्यांदा चालवताना आपल्याला कदाचित 1-2 किलो तासाला आपण 5 किलो पर्यंत पोहोचू, पण एकदा सवय झाली ना तर कदाचित ते जे 15 किलोचे रेकॉर्ड बोलतात ते कदाचित आपल्या इथे तुटायचा. तो 10 दिन हो गया तो आपको बराबर हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी. जैसे चलाना है ऐसा चला सकता है आप. आपका सवाल तो अभी 8,500 से 9,500 तक है, क्योंकि अलग अलग तरफ है. और पहुँचना 9,500 रुपए लगेगा आपको. खराब होने का चीज इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही बेल्ट रहता है, मोटर रहता है. मोटर तो 2 साल का गारंटी है अपना. वो बेल्ट अगर बीच में खराब आ गया तो दूसरा लगा सकता है. लगाने का बड़ा मैकेनिक भी होना नहीं पड़ता, अपना आप कर सकता है. मध्यभागी कौन सा हाइब्रिड उतरली का मोकळी पाहिजे नेले पाहिजे.